आ जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बिल्कुल जब हम पढ़ लेंगे। दूसरा क्या है, रिवर्सिबल कि भैया मेरे एनायन की रेस्पेक्ट में मेरी रिएक्शन क्या हो, रिवर्सिबल नेचर की हो। ठीक है, तो मान लेंगे मैं अपना इस बार हाफ सेल चेंज कर सकता हूँ, पहले मैंने गैस आयन हाफ सेल लिया था, इस बार मेटल इंसोल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल ले लेता हूँ, मेटल इंसोल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल, यानी AgCl सॉलिड Cl माइनस और लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, क्या गया लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, यहाँ पूरा सॉल्ट वो लिखो HCl AgCl सॉलिड और Ag सॉलिड, ये क्या होता है मेरी होगी भैया, मेरी क्या होगी, ये मेरी होगी मेटल इंसोल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल, और इसमें मेरा रिवर्सिबल है विद रेस्पेक्ट टू एनायन। अगर मैं विदाउट लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की बात करूं तो एनोड पर रिएक्शन हो रही होगी, एनोड पर होता है प्रोसेस ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन में मेरा Ag सॉलिड क्या जब क्या हो रहा है, Ag सॉलिड गिव्स AgCl सॉलिड प्लस इलेक्ट्रॉन, हाँ एंड कैथोड पर रिएक्शन हो रही होगी मेरी, AgCl सॉलिड प्लस Cl माइनस, AgCl सॉलिड प्लस इलेक्ट्रॉन गिविंग Ag सॉलिड प्लस Cl माइनस, ये मेरी रिएक्शन होनी होंगी एनोड एंड कैथोड पर, किस पर, एनोड एंड कैथोड पर। तो ओवरऑल रिएक्शन AgCl सॉलिड है तो इसको तो लेंगे नहीं, Ag सॉलिड भी नहीं लेंगे, Cl माइनस ऑफ एनोड गिविंग Cl माइनस ऑफ कैथोड, ये सब कट जाएंगे, ये प्योर सॉलिड कट जाएंगे, Cl माइनस ऑफ एनोड गिविंग Cl माइनस ऑफ कैथोड, और Cl माइनस ऑफ एनोड की कंसंट्रेशन मैंने A1 मान ली, Cl माइनस ऑफ कैथोड की कंसंट्रेशन मैंने A2 मान ली, यानी A1 गिविंग A2 है बेसिकली, क्या है A1 गिविंग A2 है। ठीक है, ई सेल क्या हो जाएगा इसके लिए, ई सेल हो जाएगा 0 - 0.0591 अपॉन 1 लॉग Cl माइनस ऑफ कैथोड अपॉन में Cl माइनस ऑफ एनोड, यानी ई सेल किसके इक्वल हो गया -0.0591 लॉग क्या ई सेल ऑफ कैथोड A2 अपॉन में A1, यानी ई सेल बेसिकली किसके इक्वल हो गया 0.0591 लॉग A1 अपॉन A2 के, और ये किसके लिए हो गया, ये क्या है E विद आउट लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। अब व्हेन LJP क्रिएटेड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्रिएट हो गया है, तो अब मेरी क्या एनोड और कैथोड पर और रिएक्शन भी होने लगेंगी, और एनोड कैथोड पर रिएक्शन क्या होने लगेंगी भैया, एनोड कैथोड पर रिएक्शन होने लगेंगी कि ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ H+ गिविंग A1 giving H+ of T+ of H+ A2, इसी तरीके से T- of Cl- A2 giving T- of Cl- of A1। अब होगा क्या, ये सारी रिएक्शन होंगी, तो पहले क्या आया मेरा, ये रिएक्शन प्लस दिस रिएक्शंस, ये रिएक्शन तो होगी होगी, और ये दोनों रिएक्शन भी LJP में एक्स्ट्रा हो जाएंगी, तो Cl माइनस ऑफ एनोड या A1 कुछ भी लिख सकते हैं, Cl माइनस ऑफ A1 ठीक है प्लस T+ ऑफ H+ A1 प्लस T- ऑफ Cl- A2 गिविंग Cl- ऑफ A2 कंसंट्रेशन ऑफ सीएल
प्लस टी प्लस ऑफ एच प्लस ए टू प्लस टी माइनस ऑफ सी एल माइनस ए वन। अब ए वन वाली टर्म्स एक साइड ले जाओ, ए टू वाली एक साइड ले आओ। सी एल माइनस ए वन माइनस टी माइनस सी एल माइनस ए वन प्लस टी प्लस एच प्लस ए वन इज इक्वल्स टू सी एल माइनस ए टू माइनस टी माइनस सी एल माइनस ए टू प्लस टी प्लस एच प्लस ए टू। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, सी एल माइनस ए टू ए वन कॉमन ले लिया, वन माइनस टी वन आ गया प्लस टी प्लस एच प्लस ए वन, और इसमें वही सी एल माइनस ए टू कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या आ गया, वन माइनस टी ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ माइनस प्लस टी प्लस ऑफ एच प्लस ए टू। देखो 1 माइनस टी वन किसके इक्वल होता है, टी प्लस के, तो क्या हो गया टी प्लस सी एल माइनस ए वन प्लस टी प्लस एच प्लस ऑफ ए वन। यहाँ से गिविंग क्या आएगा, ये सब इक्वल टू की जगह गिविंग का साइन लगा लो तो और भी ज़्यादा अच्छा होता है। क्या टी प्लस ऑफ सी एल माइनस ए टू प्लस टी प्लस ऑफ एच प्लस ए टू। अब इसमें ओवरऑल रिएक्शन में ई सेल लिख दो इसका, और ई सेल को देखो यहाँ पॉजिटिव वाले ट्रांसपोर्ट नंबर आ गए क्योंकि रिवर्सेबल विद रिस्पेक्ट टू किसके है, एनायन के है, तो मेरा ई सेल किसके इक्वल हो जाएगा, 0 माइनस 0.0591 अपॉन 1 लॉग क्या सी एल माइनस ए टू की पावर टी प्लस एच प्लस ए टू की पावर टी प्लस अपॉन में सी एल माइनस ए वन की पावर टी प्लस एच प्लस ए वन की पावर टी प्लस। देखो यहाँ से सबसे ये बेसिकली ए टू की टर्म्स हैं, ये ए वन की टर्म्स हैं, तो ई सेल किसके इक्वल हो गया, माइनस 0.0591 लॉग ए टू की पावर टू टी प्लस अपॉन में ए वन की पावर टू टी प्लस। ठीक है, तो ई सेल किसके इक्वल हो गया, 0.0591 लॉग ए वन की पावर अपॉन ए टू, वैसे ए टू अपॉन ए वन होता है, मैंने माइनस ले लिया तो ए वन अपॉन ए टू की पावर टू टी प्लस, पावर बाहर आ जाएगी, ई सेल 2t प्लस इंटू 0.0591 लॉग ए वन अपॉन ए टू आ गया। अब देखो ये मेरा क्या है, p विद लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। अब देखो ये E विद लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल है, ये E विदाउट लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल था, तो E लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल मैं निकाल सकता हूँ, क्या होता है E लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ, आपको पता है E विद लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल किसके इक्वल होगा, ई एल जे पी के प्लस ई विदाउट एल जे पी, तो यहाँ से ई एल जे पी आ जाएगा, ई विद एल जे पी माइनस ई विद आउट एल जे पी, और जब मेरा सॉल्ट ब्रिज बन आ जाएगा, सॉल्ट ब्रिज आ जाएगा तो एल जे पी क्या हो जाएगा, ई एल जे पी ज़ीरो हो जाएगा, और ई विद एल जे पी इक्वल्स हो जाएगा ई विद आउट एल जे पी, यही होता है मेरा, क्या होता है, यही मेरा होता है क्या, रिवर्सिबल नेचर विद रेस्पेक्ट टू एनायन, मेरा कंसंट्रेशन सेल का, किसका, कंसंट्रेशन सेल का। यहाँ एक छोटी सी बात नोट में डाल लेंगे कि नोट भैया क्या कि इलेक्ट्रोलाइट विद द सेम लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, ठीक है, देन द रिएक्शन ऑफ एल जे पी आर आइदर द रिएक्शन इज रिवर्सिबल विद रेस्पेक्ट टू कैटायन और विद रेस्पेक्ट टू एनायन।
ठीक है, क्या है कि इफ द इलेक्ट्रोलाइट विल बी द सेम एट LJP, अगर मेरे लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल पर ये इलेक्ट्रोलाइट जो भी HCl या जो भी था, क्या कि इफ द इलेक्ट्रोलाइट विल बी सेम एट लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, इफ द इलेक्ट्रोलाइट विल बी सेम एट लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, then the reaction at liquid junction potential are same, either the reaction is reversible with respect to cation or with respect to anion. देखिए भैया ये कह रहा है कि भैया कि अगर मेरा इलेक्ट्रोलाइट सेम है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल पर तो मेरी रिएक्शन क्या दोनों टाइम सेम ही होगी, चाहे मेरा रिवर्सिबल हो कैटायन के रेस्पेक्ट में चाहे मेरा रिवर्सिबल हो एनायन के रेस्पेक्ट में. मतलब मेरा इलेक्ट्रोलाइट सेम ही हो गया, सेम इलेक्ट्रोलाइट है तो मतलब चाहे कैटायन के रेस्पेक्ट में हो एनायन के रेस्पेक्ट में सेम ही होगी, क्योंकि टी प्लस टी माइनस मतलब क्या होगा ऑलमोस्ट बराबर कंसंट्रेशन, बराबर चार्ज कैरी करेंगे तो बराबर ही क्या कैरी करेंगे फ्रैक्शन ऑफ चार्ज कैरी करेंगे और फ्रैक्शन ऑफ चार्ज कैरी ट्रांसपोर्ट नंबर है, कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को कैरी करेंगे वही मेरा आयन बता देता है, कितनी करंट कैरी करेंगे वही ट्रांसपोर्ट नंबर ने बताया था, वही उसका फंक्शन होता है, वही ये नोट पॉइंट है, इसको बात कर लेंगे और इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज नोन एज कंबाइंड सेल. क्या पढ़ने जा रहे हैं अगला टॉपिक? कंसंट्रेशन सेल पे बेसिकली स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया की क्वेश्चन आए हैं, आज तक कई बार आ चुके हैं कई बार, और वो पूछना भी बंद नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों पूछे ही जा रहा है, मर्जी है भाई जैसा उसका मन. अगला टॉपिक डालते हैं हम कंबाइंड सेल. क्या कंबाइंड सेल? ठीक है, कंबाइंड सेल के बारे में बात जानेंगे. ये जैम का तो पार्ट नहीं है पर हाँ गेट नेट TIFR इससे क्वेश्चन पूछ लेता है. कंबाइंड सेल, कंबाइंड सेल कुछ नहीं है, कंबाइंड सेल बेसिकली क्या है, कंबाइंड सेल क्या पढ़ने जा रहे हैं हम कंबाइंड सेल क्या है? कंबाइंड सेल बेसिकली कॉम्बिनेशन है दो सेल्स का, दो सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स का कॉम्बिनेशन है. ठीक है, दो सेम सेल आपस में कंबाइंड कर जाते हैं और क्या बना लेते हैं, एक कंबाइंड सेल को फॉर्म कर लेते हैं, एक कंबाइंड सेल को फॉर्म करते हैं. ठीक है, और कंबाइंड सेल में भी ई नोड ऑफ द सेल क्या हो जाएगा, मेरा ओवरऑल सेल जीरो हो जाएगा. देखो क्या होगा कंबाइंड सेल में, ऐसा होता है जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, इसमें भी क्या होता है जनरली ई नोड जीरो होता है. इसका एक एग्जांपल लेता हूं थोड़ा, दो सेल एक साथ कंबाइंड कर जाते हैं जैसे Zn गिविंग Zn2+ Cu2+ गिविंग Cu, जो इसमें एनोड था कैथोड था ये एक सेल हो गया सेल 1 हो गया. ठीक है, कौन सा हो गया सेल 1 हो गया, ये कंबाइंड कर जाएगा किसके साथ, दूसरे सेल के साथ जहां कॉपर क्या होगा एनोड होगा, चाहे कुछ भी फर्क पड़े Zn2+ से Zn. देखो हम मानोगे कि इसका इनोड जीरो होगा, ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगा, इसका इनोड नेगेटिव होगा, सॉरी ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगा, ये सेल तो गैल्वेनिक क्रिएटिव ही नहीं होगा, पर इलेक्ट्रोलाइटिक तो हो सकता है. ये नॉन स्पॉन्टेनियस सेल है, क्या फर्क पड़ रहा है, एक स्पॉन्टेनियस एक नॉन स्पॉन्टेनियस, दोनों को ज्वाइन कर दिया, ये दूसरा सेल क्या है सेल 2 ज्वाइन कर दिया, जो इसका ई
ई नोड आएगा उसका निगेटिव, इसका ई नोड आ जाएगा, तो दोनों का मिलाकर ओवरऑल ई नोड क्या बन जाएगा मेरा, जीरो बन जाएगा। ओवरऑल ई नोड क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। इस टाइप ऑफ हाफ सेल को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप ऑफ सेल्स को हम कंबाइंड सेल बोलते हैं, जहां एक से ज्यादा सेल आपस में एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं। ठीक है, बेसिकली ये मेरा लेफ्ट वाला सेल है और ये मेरा कौन सा वाला सेल है, राइट वाला सेल है। तो इसकी जो कंसंट्रेशंस लिखेंगे राइट लिखेंगे, या उनके नीचे लेफ्ट या एल, और इसका राइट या आर लगा देंगे, उसके नीचे क्या लगा देंगे, राइट या आर का टिक लगा देंगे। और बात करते हैं इसके बारे में कुछ बातें, क्या भैया। अब मैं रिएक्शंस देखता हूं, अगर मैं एनोड की बात करूं, एनोड पर यहाँ क्या रिएक्शन हो रही होगी, बेसिकली ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, Zn से Zn2+ जा रहा होगा, प्लस टू इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। कैथोड पर क्या हो रहा होगा, Cu दो इलेक्ट्रॉन, Cu 2+ प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन गिविंग Cu, ये ओवरऑल रिएक्शन हो रही होगी, यानी Zn प्लस Cu2+ गिविंग Zn2+ प्लस Cu, ये रिएक्शन हो रही होगी। ठीक है, और ये सारी बातें किसकी है, मेरे लेफ्ट सेल की है, किसकी है, लेफ्ट सेल की। तो ये तो मेरी लेफ्ट सेल की ओवरऑल रिएक्शन है। आओ मैं बात करता हूं अपने राइट सेल की ओवरऑल रिएक्शंस की। तो राइट सेल पर ओवरऑल रिएक्शंस क्या हो रही होंगी, यहाँ एनोड पर रिएक्शन क्या हो रही है, यहाँ एनोड पर प्रोसेस क्या है, नहीं है भैया, एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, पर कॉपर का हो रहा है, किसका हो रहा है, कॉपर का हो रहा है। तो Cu गिविंग Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और यहां कैथोड पर क्या हो रहा है, Zn 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग Zn। तो ये राइट वाले का है, यहां कॉपर सॉलिड प्लस Zn 2+ प्लस एक्वस गिविंग कॉपर 2+ प्लस एक्वस प्लस Zn, और ये किसका है, सब राइट वाले सेल का है। तो इसके आगे राइट 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 आर आर, सबके आगे क्या चिपका देंगे, आर आर चिपका देंगे। अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन देखूं, क्या देखूं, ओवरऑल रिएक्शन बेसिकली ये लिक्विड है, सॉरी लिक्विड कह रहा है, ये प्योर सॉलिड है, जिंक और कॉपर प्योर सॉलिड है, तो इनको कंसिडर करें या ना भी करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन की बात करूं तो मेरी ओवरऑल रिएक्शन क्या आई है कि अगर मैं Cu2+ Cu2+ लेफ्ट वाला प्लस Zn2+ राइट वाला गिविंग Zn2+ लेफ्ट वाला प्लस Cu2+ राइट वाला, ये मेरी क्या होगी भैया, ओवरऑल रिएक्शन होगी। इसके लिए मैं नस्ट लिख सकता हूँ, नस्ट क्या लिखूंगा, ई सेल इक्वल्स टू ई नोड ऑफ सेल जीरो है, माइनस 0.0591 अपॉन में दो इलेक्ट्रॉन का चेंज है, कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है, दो, लॉग Zn2+ कौन सा वाला, लेफ्ट वाला, Cu2+ कौन सा वाला, राइट वाला, अपॉन में Cu2+ कौन सा वाला, लेफ्ट वाला, और Zn2+ कौन सा वाला, राइट वाला। ये सब वैल्यू कंसंट्रेशन की दे देगा, तो हम आराम से ई सेल निकाल देंगे, और इसको पॉजिटिव में लिखना होगा तो ये क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। ठीक है, अब मैंने मान लिया कि भैया इनकी कंसंट्रेशन अलग अलग है, ए वन ए टू ए थ्री ए फोर है, तो हम इनको वेरी कर सकते हैं, ए वन ए टू ए थ्री ए फोर मान ली इनकी कंसंट्रेशन, तो ए वन ए टू ए थ्री ए फोर की टर्म्स में लिख सकते हैं, वो हमारे सेल पर डिपेंड करता है, बेसिकली डिपेंड ये होता है, अलग अलग कंडीशन बन जाती हैं। और कंबाइंड सेल का एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो हमारे लिए कंबाइंड सेल क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि एज सच इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता किसी ने, बहुत रेयर पूछा जाता है। और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है मेरे पास, पीटी सॉलिड एच टू गैस एच सी एल ए वन, एच सी एल इसकी एक्टिविटी ए वन है,
AgCl solid, Ag solid, given Ag solid, AgCl solid, HCl, H2 gas, Pt solid. इसका A2 है, इसका 180 m प्रेशर है, इसका भी प्रेशर 180 m है, और ये A1 है, ठीक है? आओ सीखते हैं भैया। देखो ये क्या है, गैस। ये अगर मैं यहाँ से यहाँ तक देखूँ, एक फुल सेल है, क्योंकि भैया मुझे क्या नहीं दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है, और जिस सेल में मुझे इलेक्ट्रॉन नहीं दिखता वो फुल सेल होता है। ये दूसरा फुल सेल है। अब ये फुल सेल हाफ सेल में कैसे कैसे डिवाइड है, गैस आयन, गैस आयन हाफ सेल है, प्लस मेटल इंसोल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल है। इसका जो एनोड है वो गैस आयन हाफ सेल है, और ये कैथोड है वो मेटल इंसोल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल है। इसका एनोड मेटल इंसोल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल है, कैथोड इसका गैस आयन हाफ सेल है। तो इस सेल का बेसिकली मुझे पता चल गया ये कैसा सेल है, कंबाइंड सेल है। कैसा सेल है, कंबाइंड सेल है। और इसका एनोड भी किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। अब इसकी अलग अलग रिएक्शन लिखेंगे, फिर ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे, सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, और मुझे क्या निकाल देंगे, ईएमएफ निकाल देंगे। बेसिकली ईएमएफ ही निकालना है। तो इसका ईएमएफ निकालने का तरीका बहुत आसान है। क्या एनोड पर रिएक्शन लिखो, एनोड पर रिएक्शन होगी ऑक्सीडेशन, हाफ एच टू गिविंग एच प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। कैथोड पर रिएक्शन लिखो, कैथोड पर रिएक्शन क्या होगी, किसकी है, मेटल इंसोल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल, रिडक्शन ही होगा, बेसिकली रिडक्शन होगा। तो AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, Ag सॉलिड Pl प्लस Cl माइनस, Ag सॉलिड प्लस Cl माइनस एक्वस। तो ये लेफ्ट वाली रिएक्शन होगी, क्या हो जाएगी लेफ्ट वाली रिएक्शन मेरी, हाफ H2 लेफ्ट प्लस, ये AgCl सॉलिड का कोई मतलब ही नहीं है, हाफ एच टू लेफ्ट गिविंग एच प्लस लेफ्ट प्लस सी एल माइनस एक्वस। सी एल माइनस किसका, वो भी ये भी किस साइड वाला, लेफ्ट सेल का। ये सब किसके हैं, लेफ्ट सेल के। और ये एच प्लस किसका है, एनोड का है। देखो ये एनोड का एच प्लस है और लेफ्ट वाला। ये सी एल माइनस किसका है, सी एल माइनस किसका है मेरा, बेसिकली कैथोड का है। और किसका है, कैथोड का सी एल माइनस है, और वो भी लेफ्ट सेल में। सेम रिएक्शंस यहाँ रिपीट करके रिवर्स में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसकी जगह देखो, डायरेक्ट लिखने का तरीका होता है, ये रिएक्शन रिवर्स करके लिख दो और एल की जगह आर लिख देना। इस वाले सेल की अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन डायरेक्ट लिखना चाहूँ, सेम ही तो है बस रिवर्स में, तो रिवर्स करके लिख दो, एच प्लस कैथोड राइट सेल का प्लस सब कुछ लिखो, सी एल माइनस ऑफ एनोड राइट वाले का गिविंग क्या, हाफ एच टू ऑफ किसका, हाफ एच टू किसका था, उधर एनोड का था, तो इधर कैथोड का आएगा, वो भी राइट वाले का। लो ओवरऑल रिएक्शन इसकी ये होगी, उसकी ये होगी, दोनों को कंबाइंड करके लिख देंगे। दोनों को कंबाइंड करके लिख दोगे तो भैया ई सेल में इसका फॉर्मूला लगा देंगे, दोनों ही इक्वेशन वन और टू को कंबाइन करना है। भाई प्रेशर क्या है, 180 m है, तो प्रेशर की वैल्यू तो वन रख दो, कोई यहीं पुट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बेसिकली यहाँ कंसंट्रेशन किसकी वैरी करी है, सी एल माइनस की, ठीक है, और एच प्लस की, किसकी, सी एल माइनस और एच प्लस की कंसंट्रेशन वैरी कर रही है। आओ ई सेल लिखते हैं, ई नोड ऑफ सेल जीरो है, माइनस 0.0591 है, लॉग क्या क्या है उधर, H प्लस लेफ्ट सेल वाला, Cl माइनस लेफ्ट सेल वाला, एंड प्रेशर ऑफ H2 राइट वाला की पावर हाफ अपॉन में H प्लस राइट वाला, Cl माइनस राइट वाला, और प्रेशर ऑफ H2 की पावर हाफ लेफ्ट वाले की। सबकी वैल्यू पुट कर दो बस। तो ई सेल किसके इक्वल आ जाएगा,
माइनस 0.0591 लॉग एच प्लस लेफ्ट वाले की कंसंट्रेशन ए वन, सी एल माइनस लेफ्ट वाले की कंसंट्रेशन भी क्या है ए वन अपून में, प्रेशर ऑफ एच टू ऑफ राइट साइड वाले की क्या है हाफ 180 1 की पावर हाफ 1, एच प्लस ऑफ राइट साइड वाले की कंसंट्रेशन ए टू, सी एल माइनस ऑफ राइट वाले की कंसंट्रेशन ए टू, प्रेशर ऑफ एच टू ऑफ हाफ क्या है 1, यानी ए वन अपॉन ए टू का स्क्वायर। तो ई सेल क्या आ गया मेरा माइनस 0.0591 लॉग क्या ए वन अपॉन ए टू का स्क्वायर, और ये आगे चला जाएगा तो ई सेल मेरा किसके इक्वल आ जाएगा माइनस 2 × 0.0591 लॉग ए वन अपॉन ए टू, ए वन अपॉन ए टू। और अगर मैं यहाँ देखूँ कि भैया अगर मैं इसको पॉजिटिव में लिखूँ तो ई सेल मेरा किसके इक्वल आ जाएगा 2 × 0.0591 लॉग ए टू अपॉन में ए वन के, किसके इक्वल आ जाएगा लॉग ए टू अपॉन में ए वन के, और ए टू ए वन की वैल्यू देगा और वो मुझे रिएक्शन क्या कुछ भी पूछ सकता है, ई सेल पूछ सकता है, स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया पूछ सकता है कि क्या कंबाइंड सेल ओवरऑल स्पॉन्टेनियस कब होगा जब ए टू ज़्यादा होगा, कंबाइंड सेल ओवरऑल स्पॉन्टेनियस पूछेगा कि मेरा ये जो कंबाइंड सेल है ना भैया मुझे ये बता दो कि ये ओवरऑल स्पॉन्टेनियस कब होगा। मैंने कहा ओवरऑल स्पॉन्टेनियस कब होगा जब मेरा ए टू बड़ा हो जाएगा किससे ए वन से, तब मेरा ई सेल पॉजिटिव आने लगेगा, ई सेल पॉजिटिव आएगा तो डेल्टा जी नेगेटिव की तरफ जाने लगेगा। यही बेसिकली हमारा कंबाइंड सेल में एंड होता है, कंबाइंड सेल में इससे ज़्यादा तो वो मुश्किल ही कुछ पूछने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं पूछ पाएगा। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, दैट इज थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट्स ऑफ गैल्वेनिक सेल। क्या पढ़ेंगे? थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट्स ऑफ गैल्वेनिक सेल।